और इस वक्त आपको लाइव लिए चल रहे हैं, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं उन खिलाड़ियों से जो कि टोक्यो ओलंपिक में इस बार हिस्सेदारी करने जा रहे हैं। अधिकारी एवं प्रतिनिधि, खिलाड़ी मित्रों और देश भर से जुड़े हुए खिलाड़ियों के परिजन, भाई और बहनों, मैं यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहर्ष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है और आज भी विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने, उनका मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं यहां पर उपस्थित सभी ऑफिशियल्स, कोच स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बलबूते हमारे यहां प्रतिभावान प्लेयर्स टोक्यो ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। आपके आदेश पर खेल मंत्रालय ने किसी तरह की कोई कमी खिलाड़ियों की सुविधा में नहीं रखी है। टॉप स्कीम से लेकर डीजीसीआई से लेकर खेल मंत्रालय ने हर तरह से प्रयास किया है कि हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, समुदाय के बंधन के 130 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र से जोड़ता है। देश के 22 राज्यों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी खेल के प्रति अभिरुचि, खेलों को बढ़ावा देने की आपकी कार्यशैली, आपके द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया प्रोत्साहन हमेशा सराहनीय और प्रेरणादायक रहा है। कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों के दौरान भी आपने खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरने दिया और समय समय पर आपने खिलाड़ियों से वार्तालाप करके उनका मार्गदर्शन भी किया है और उन्हें जोश से सरोबार भी किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में आपने समस्त देशवासियों से टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया का आह्वान भी किया था। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, देश भर के कोने कोने, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, लोग सेल्फीज भी खींच रहे हैं, डाल भी रहे हैं, खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। और आज जब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करेंगे, कल से पूरे देश के लोग हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद, योगदान, सहयोग देने के लिए और चीयर करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। आपके ही इस प्रयासों की वजह से समस्त भारत में ओलंपिक्स के प्रति जागरूकता एवं लगाव और बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व से हमारे खिलाड़ी अपना परचम लहराने और देश को मेडल दिलाने में जरूर कामयाब होंगे और इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, सभी खिलाड़ी भाई और बहनों को, जब आप जा रहे हैं तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आपसे बात करके आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक ही संदेश देना चाहता हूं, साथ तुम्हारे पूरा देश, बस तुम आगे बढ़ते जाना। भारत माँ का यही संदेश टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कराना। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद और सभी खेल संघों का और सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री बत्रा जी से संबोधन करने का अनुरोध करता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर स्पोर्ट्स श्री निशित परमानिक जी, डियर एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स, इट इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर एवरी मेंबर ऑफ इंडियन कंटिंजेंट कि वह टोक्यो जाने से पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जी से शुभकामनाएं और आशीर्वाद लें। आई वुड लाइक टू शेयर विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि हमारा जो डेलीगेशन टोक्यो जा रहा है उसमें 67 मेल एथलीट्स, 52 फीमेल एथलीट्स, 58 टीम ऑफिशियल्स, 43 अल्टरनेट एथलीट्स एंड अदर ऑफिशियल्स और 8 कंटिंजेंट स्टाफ
टोटल हमारा कंटिंजेंट 228 का है। भारत के एथलीट 85 मेडल पॉसिबिलिटीज पर कम्पीट करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। सर, भारत का पहला कंटिंजेंट 17 जुलाई 2021 को भारत से टोक्यो के लिए जाएगा, जिसमें 90 एथलीट्स और ऑफिशियल्स होंगे। भारत के एथलीट्स और ऑफिशियल्स जो विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, वह डायरेक्टली वहीं से टोक्यो जाएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंडिया एंड मिशन ओलंपिक सेल ने जो पिछले 5 साल में सपोर्ट किया है एथलीट का ट्रेनिंग के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्रेडिट ऑल आर एथलीट्स हु हैव पर्सोनिफाइड द मीनिंग ऑफ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट एज दे हैव फेस्ड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस विद करेज, डिटर्मिनेशन एंड इंटेंस फोकस टू अचीव देयर गोल्स। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, भारत का पूरा जो टोक्यो जा रहा है is looking up sir, and the example you have set for us to forge ahead on our path to achieving excellence for India, is vishay mein I am confident that your best wishes will go a long way in adding to the motivation of our athletes as they compete to bring glory to our country. I conclude by conveying my sincere thanks to all present here today for showing their support and best wishes to the athletes and officials representing India in the Tokyo Olympics. May our athletes feel the strength and prayers of every Indian citizen cheering from them for their home. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Thank you, everyone. Jai Hind. अब मैं टोक्यो जाने वाले एथलीट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करें। सबसे पहले मैं दीपिका कुमारी जी से अनुरोध करूंगा। दीपिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम थोड़े के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है, अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। सर, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ग्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न वॉक पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी, आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए हम अब प्रवीण कुमार जाधव जी से बात करते हैं। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाय, प्रवीण जी, मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथलीट बनने के लिए हुई थी। हाँ, आज सर। आप ओलंपिक में तीरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये बदलाव कैसे हुआ?
सर पहले मैं एथलेटिक्स करता था, तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ। तो वहाँ के कोच थे, तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम में अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे आर्चरी गेम दिया गया, तो उसके बाद मैंने अमरावती में आर्चरी गेम कंटिन्यू किया। अच्छा, और इस बदलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कॉन्फिडेंस और परफेक्शन कैसे लाए? सर मेरा एक्चुअली घर से इतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मेरे सामने आपके माताजी पिताजी दिख रहे हैं मुझे, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। बताइए। मुझे पता था घर जाके मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो यहाँ मेहनत करके आगे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यू किया। देखिए, आपके बचपन के कठिन संघर्ष के बारे में काफी जानकारी ली है, और आपके माता पिता ने भी जिस प्रकार से पिताजी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर आज देश का प्रतिनिधित्व करने तक की यात्रा बहुत प्रेरणादायी है, और ऐसे कठिन जीवन आपने बिताया, लेकिन लक्ष्य को कभी अपने आंखों के सामने से हटने नहीं दिया। आपके जीवन के शुरुआती अनुभवों ने चैंपियन बनने में आपकी क्या मदद की? सर जहाँ मुझे खुद कम मतलब लगता था कि यहाँ थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, वहां मैं यही सोचता था कि अभी तक जितना भी किया अगर यहाँ हार मान जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा कि ज्यादा और कोशिश करके इसको सफल करना है। प्रवीण जी, आप तो एक चैंपियन है ही, लेकिन आपके माता पिता भी मेरी दृष्टि से चैंपियन है, तो मेरी इच्छा है कि माता पिता जी से जरा बात करूं मैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मित्री करते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ाया, और आज आपका बेटा ओलंपिक में देश के लिए खेलने जा रहा है। आपने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कहना चाहते प्रवीणला अजून पुढे जावं, खेळून प्रवीणच्या पाठीमागे चार मुली आहेत, ते सुद्धा त्यांनी जाऊन पुढे प्रवीण सारखं ऑलिम्पिक घेऊन यावं। वा, प्रकृती बरी आहेत ना? हा, बरी बरी आहेत। देखिए, आपने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती। आपकी सफलता से ये भी स्पष्ट हो गया कि ग्रास रूट स्तर पर अगर सही चयन हो तो हमारे देश की प्रतिभा क्या नहीं कर सकती। प्रवीण, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरी, और फिर से एक बार आपके माता पिताजी को भी प्रणाम है, और जापान में जमकर खेलिएगा। अच्छा, अब हम नीरज चोपड़ा जी से बात करेंगे। नमस्ते सर। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं, और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी, और मैं 5-6 साल खेला, उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मुझे काफी खुशी हुई, फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ, और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूँ, आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है, आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को ये सब कैसे संभाले रखा?
मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है, तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको, तो आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर फिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है, तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया, अच्छे से मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला, उसमें ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर, और फिर उसके बाद जो दोबारा से कॉम्पिटिशन खेले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया, और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप अपना शत प्रतिशत दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। आइए दुती चंद से बात करते हैं। दुती जी नमस्ते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नमस्ते। दुती जी आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक, दुती का मतलब ही होता है आभा, और आप खेल के जरिए अपनी चमक बिखेर भी रही है, अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं, इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? पहले तो आपको ये बता देती हूँ, मैं एक रिवर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फैमिली में सिक्स सिस्टर वन ब्रदर, मम्मी डैडी को मिले 9 मेंबर। जब मेरे घर में लड़की से लड़की पैदा होती रहती थी, गांव वाले ने मेरी मम्मी को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि इतना लड़की क्यों पैदा कर रहे, तो बहुत गरीब फैमिली थे, खाने के लिए भी डाइट नहीं था और मेरे पापा का इनकम भी बहुत कमी था। आपके माताजी पिताजी मेरे सामने हैं जी, तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो देश के लिए नाम रोशन करूंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा और जॉब में जो पगार रहेगा इसमें मैं फैमिली का सिचुएशन बदल सकती हूँ। तो आज स्पोर्ट्स के वजह से आज मैंने बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को, और मैं धन्यवाद दूंगी आपको और मेरे सर को, सर को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, आपके उसकी टीम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है, सीएम नवीन पंडित सर भी मुझे बहुत मदद किया है और मेरा हमेशा मेरे लाइफ में तो कॉन्ट्रोवर्सी रहता है, आपके टीवी माध्यम से पेपर माध्यम से पता होंगे आपको कि कितना चैलेंज करके कितना दिक्कत सह के मुझे मैं आज यहाँ तक पहुँचू। मेरा मन में वही है, मैं जो साथ में ओलंपिक जाएंगे सेकेंड ओलंपिक जाएंगे टोक्यो ओलंपिक ईयर में भी पार्टिसिपेट किया था 6 ईयर के बाद 100 मीटर में पीटी सर दीदी के पास, अभी सेकेंड टाइम ओलंपिक जा रही हूँ। मेरे हिसाब से हमें हिम्मत तो नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं उधर, क्योंकि इंडिया का कोई महिला कमी कमजोरी नहीं है, महिला आगे बढ़ते रहेंगे इंडिया में और महिला लोग आगे ही बढ़ते के देश का नाम रोशन करेंगे, मेरे जैसे हिम्मत के साथ ओलंपिक में खेलूंगी और देश के लिए मेडल लेने के लिए कोशिश करूंगी। दुती जी आपकी वर्षों की मेहनत का फैसला कुछ ही सेकंड में होना होता है, हार और जीत में पलक झपकने भर की देर होती है, इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है। बेसिकली 100 मीटर में देखें तो आसान है, 10-11 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको एक बार रन करने से साल भर लग जाता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। एक 100 मीटर भागने के लिए हमको 10 बार रिपीटेशन लगाना पड़ता है, बहुत सारा जिम एक्सरसाइज, बहुत सारा स्विमिंग पूल एक्सरसाइज करना पड़ता है और हमेशा चैलेंज की तरह लेना पड़ता है कि वो ब्लॉक स्टार्ट में थोड़ा सा गिर जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करके निकाल देंगे, तो हर चीज को ध्यान देकर हमको रनिंग करना पड़ता है। नर्वस तो रहता है मन में, डर भी आता है, लेकिन मैं हिम्मत के साथ लड़ाई करती हूँ, जैसे मेरा पर्सनल लाइफ में हिम्मत के साथ लड़ाई करके आ रही हूँ, तो ऐसे हमेशा 100 को हिम्मत के साथ चैलेंज के साथ लड़ाई करके मैं रनिंग करती हूँ और उसमें अच्छा टाइम भी करती हूँ और देश के लिए मेडल भी लाती हूँ। दुती जी आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएगी, आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए, पूरा भारत
अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता पिता को विशेष प्रणाम। आइए अब हम आशीष कुमार जी से बात करते हैं। आशीष जी नमस्कार। आपके पिता राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे और आपके परिवार में कई खिलाड़ी रहे हैं, आपने बॉक्सिंग क्यों चुनी? सर बॉक्सिंग जब मैं छोटा था तो सर हमारे घर पे माहौल खेल का था, तो मेरे फादर बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे अपने टाइम में, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी बॉक्सिंग खेले। तो मेरे पास उस टाइम कबड्डी के कोर्स नहीं किया गया, लेकिन मेरे परिवार में मेरे भाई रेसलिंग खेलते थे और बॉक्सिंग खेलते थे, तो काफी अच्छे लेवल तक खेले हैं। तो मुझे भी इन दोनों में से किसी एक को फोन करने के लिए कहा गया। मैं पतला था और ज्यादा कठिला नहीं था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि रेसलिंग तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे शायद बॉक्सिंग ही करनी चाहिए। तो वैसे वैसे सर जब झुकाव हुआ बॉक्सिंग की तरफ इसी तरीके से। आशीष जी आपने कोविड से भी लड़ाई लड़ी है, एक खिलाड़ी के तौर पर आपके लिए कितना कठिन रहा? आपका खेल आपकी फिटनेस प्रभावित ना हो इसके लिए आपने क्या किया? और मैं जानता हूं आपने इस क्रूशियल टाइम में अपने पिताजी को भी खो दिया, ऐसे समय भी आपने इस जो मिशन को लेके निकले थे उसमें जरा भी इधर उधर होने नहीं दिया, तो मैं जरूर आपके मन के भाव जानना चाहूंगा। जी सर 25 दिन पहले, कंपटीशन के 25 दिन पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से मैं काफी सदमे में था कि मैं इमोशनली भी बहुत हर्ट हो चुका था। काफी प्रॉब्लम जो है मुझे उस टाइम फेस करनी पड़ी, तो उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो फैमिली सपोर्ट की थी, और मुझे मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे परिवार के सभी जनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे दोस्तों ने भी काफी मुझे बार बार मोटिवेट किया कि मुझे मेरे। ऐसे तो आप हर पंच में चैंपियन है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट पंच कौन सा है? जॉब, हुक, अपरकट या कुछ और? और ये भी बताइएगा कि ये पंच क्यों आपका फेवरेट है? सर मेरा फेवरेट पंचेस तो ये मेरा मेरा स्ट्रांग साउथ पोल है, तो मेरा हुक सबसे फेवरेट है सर। तो इसमें कोई भी लोगों को मिस नहीं कर पाते हैं, लगना ही तो लगना ही है बस। मैं जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर मेरा फेवरेट खिलाड़ी तो बॉक्सिंग में सर हीरो है, इंस्पिरेशन है मोहम्मद अली है सर, उससे मेरे को इंस्पायर होके बॉक्सिंग चुना हूँ सर। मेरी कॉम जी आपने बॉक्सिंग की करीब करीब हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। आपने कहीं कहा था कि ओलंपिक गोल्ड आपका सपना है, ये आपका ही नहीं पूरे देश का सपना है। देश को उम्मीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पूरा करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को प्रणाम है। आइए पीवी सिंधु जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी मुझे बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी, अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्ची बावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शक्ति कंट्रोल करना बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलू करके फरवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर।
ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर, ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन देके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन उन लोगों ने परमिशन दे दिया सर, तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेला तो टोक्यो जाने के बाद इतना मुश्किल नहीं होता एंड आई गेट यूज टू इट सो क्विकली, इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी, तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। देखिए सिंधु जी, माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा। आपको नमस्कार। आप ये बताइए, जब किसी बच्चे की रुचि खेल में जाने की हो तो कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को ढेरों आशंकाएं रहती है, आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर, पेरेंट्स ये जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो सब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आप थोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर इश्यूज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर आप ऊपर आ सकते हैं। आप एक सफल खिलाड़ी के माता पिता हैं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कैसी पेरेंटिंग करनी होती है? सर पेरेंटिंग तो फर्स्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सर, क्योंकि उनको एंकरेज करना है, वी हैव टू मोटिवेट देम। एंड आप तो जानते हैं गवर्नमेंट तो हर तरह से हर खिलाड़ी को सब फैसिलिटी दे रहे हैं, सो उसको हमारे बच्चों को समझाते हुए देश का नाम ऊपर करने के लिए बेटा मेहनत करना है और अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको प्रोत्साहित करके हर जो भी बच्चों को हम ये पहले सिखाना है कि रेस्पेक्ट देना, जो भी है रेस्पेक्ट दो और उनका आशीर्वाद लो। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी और इधर सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आइए नमस्कार जी, एला से बात करते हैं। एला नमस्ते। नमस्ते सर, केम छो? एला हवे गुजराती बोले छे कि नहीं? हाँ सर, थोड़ूक आवड़े छे मने। एला, मुझे बताया गया कि आप पहले एथलेट्स में जाना चाहती थी, फिर ऐसा क्या ट्रिगर कर गया कि आपने शूटिंग को अपना लिया? सर मैंने एक्चुअली काफी सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे शूटिंग के पहले, मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद था, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो वगैरह ट्राई किया था, लेकिन जब मैंने शूटिंग शुरू किया तब मुझे एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट मिला था इस गेम में, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा स्टडी रहना होता है, बहुत ज्यादा कामनेस चाहिए होता है, तो सर बस वो जो कामनेस चाहिए थी वो थी नहीं मेरे पास, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है इससे ही बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे इस गेम से, तो उसी उसी से सर बहुत ज्यादा लगाव हो गया गेम से। अभी मैं दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें मैं आपके माताजी पिताजी को सुन रहा था और वो संस्कार धाम में आपने इसका प्रारंभ किया था, इसका पूरा वर्णन कर रही थी और वहां का बड़ा गर्व के वहीं जाकर के वो आपको याद कर रही थी। अच्छा, स्कूल से ओलंपिक तक बहुत सारे युवा आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मणिनगर का एमएलए था और आप मणिनगर में रहते हैं, और जब मैंने खोखरा में
मेरे असेंबली सेगमेंट में सबसे पहले स्पोर्ट एकेडमी जुड़ी थी, तो तुम लोग आप लोग खेलने आते थे तब, तो जो बच्ची थी, और आज मुझे तो देखने के बाद बड़ा गर्व होता है। तो बताइए कुछ अपनी बात। सर मेरी शूटिंग की प्रोफेशनल जर्नी संस्कार धाम से ही शुरू हुई थी। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मॉम डैड का ही कॉल था कि ठीक है आप स्पोर्ट्स ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो कर लीजिए करके उन्होंने बोला था। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से जो MOU साइन हुआ था सर, तो संस्कार धाम ने उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल स्टार्ट किया था, तो पढ़ाई भी उधर ही होती थी, पूरा दिन हमारा ट्रेनिंग भी उधर ही होता था सर। तो सर वो जर्नी काफी अच्छी रही है क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया, और अब जब मैं ओलंपिक्स मेरी फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए जा रही हूँ सर, तो बहुत प्राउड फील होता है कि इतने लोगों की मदद, इतने लोगों ने मेरे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और हमेशा गाइड किया है सर, तो काफी अच्छा लगता है सर। एला अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, शूटिंग कैरियर और एकेडमिक्स को आप कैसे बैलेंस करती हैं? सर मैं तो इसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी जो है और हमारे कॉलेज भवन जाट कॉलेज को थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि सर एक भी टाइम ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने मुझसे बोल दिया हो कि नहीं आपको कंपलसरी आके ये चीज करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे इतनी छूट दी थी, मेरे लिए एग्जाम भी वो लोग स्पेशल अरेंज करवा देते थे, मेरे लिए मेरे सेमिनार्स अलग से रखवा देते थे सर, तो काफी सपोर्ट किया है सर। मेरे पूरी जर्नी में उन लोग ने काफी सपोर्ट किया है और स्कूल ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया है सर। एला आपकी जनरेशन एम्बिशियस भी है और मैच्योर भी है, आपने इतनी कम उम्र में विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त की है, ऐसे में देश को उम्मीद है कि खेल के सबसे बड़े मंच पर भी आप इसी यात्रा को जारी रखेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे जो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक शुरू होगा जो कि 8 अगस्त तक चलेगा। 17 जुलाई को जैसा कि बताया गया कि जो पहला दल है खिलाड़ियों का वो रवाना होगा, और इस बार खास बात यह है टोक्यो ओलंपिक जाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो सबसे बड़ा दल है। कुल 126 खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन्हीं से ही प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।